महिला पहलवान कुमारी रानी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित महिला सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया, जिसके चलते उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने रानी की जीत को लेकर सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें महिला पहलवान कुमारी रानी को उपायुक्त सोलन राकेश कंवर ने 51,000 रूपये का चेक देकर सम्मानित किया। रानी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आज तो बेहद खुश हैं कि उन्हें उपायुक्त सोलन ने सम्मानित किया है। सम्मान को पाकर उनका जोश और भी दोगुना हो गया है। इस सम्मान को देखकर अन्य महिला पहलवान खिलाड़ियों को भी प्रेरणा मिलेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि महिला पहलवानों को हिमाचल में रेसलिंग के लिए उचित सुविधा नहीं मिल रही है। अगर उन्हें सुविधा और समय मिले तो वह मेहनत कर हिमाचल के लिए गोल्ड मेडल लाने में भी सक्षम है। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जो मैंने कांस्य पदक जीता है, इसके लिए जो डीसी साहब ने मुझे सम्मानित किया, उससे मेरा मनोबल बहुत बढ़ता है और लगता है कि नहीं, इस चीज़ को देख के और भी जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है वो लोग भी, उनका मनोबल भी बढ़ेगा और मैं मुझे लगता है कि इस ऐसे सम्मान से हम लोग अपने प्रदेश के लिए और भी अच्छा कर सकते हैं। हमारे पास हॉल नहीं है और जिसे प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए हमें, और बाकी डाइट वगैरह का रहता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर हमें सरकार या किसी की तरफ से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाए डाइट के लिए या फिर प्रॉपर जगह वगैरह मिल जाए प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे ये नहीं लगता कि कोई रिजल्ट नहीं देगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हिमाचल में। सपना है मेरा कि मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ और ओलंपिक से मेडल लाना चाहती हूँ। वहीं रानी के कोच विजय ने भी कहा कि पहलवानों के लिए हिमाचल में हॉल, मैट, ग्राउंड, मल्टी जिम जैसी सुविधाओं के साथ साथ खिलाड़ियों को डाइट की भी सुविधा नहीं दी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी रानी जैसे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रानी 4 बार नेशनल में मेडल ला चुकी हैं और इस बार वह 1 माह में 2 मेडल लेकर आई हैं। उन्होंने कहा कि रानी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसे हवलदार बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन वह चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा को देखते हुए कम से कम इन्हें इंस्पेक्टर के पद पर तैनात किया जाना चाहिए। रानी जो है खूब मेहनती लड़की है, इतनी प्रैक्टिस करती है, इसकी प्रैक्टिस करने के से ऐसे लगता है कि ये कुछ भी कर सकती है अगर इसको फैसिलिटी मिले। हिमाचल में रेसलिंग के लिए कम ही सुविधाएं हैं, हमारे पास हॉल नहीं है, ना ही हमारे पास कोई मल्टी जिम है, ना ही ग्राउंड है प्रॉपर जहां बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। डीजी साहब ने रानी को कहा कि बेटा आपकी प्रमोशन जैसे अभी कांस्टेबल थी तो आपको हौलदार बना देंगे, तो मुझे बड़ी खुशी है। मैं तो चाहता हूँ कि इसको इंस्पेक्टर रखना चाहिए और इसको फ्री छोड़ना चाहिए, पूरी फैसिलिटी देना चाहिए, जहाँ कैंप में रहना चाहिए उसको कैंप में रखे, तो हिमाचल का नाम काफ़ी रोशन करेगी।